हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग देखिए हम हैं और ये हमारे मित्र हैं। आज सब घूमने आए थे। देखिए रोशन भाई हैं, देखिए इनका फौज बिल्कुल अलग है। और ये देखिए कहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं, शिवाजी पार्क, जो कि आप देखिए पहले से बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया है। बस फोटो तो खींचते हैं, ठीक है। मतलब देखिए आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त लोकेशन अब हो गया है। पहले था कि ये सब नहीं था, अब देखिए हम दिखाते हैं। लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। और ये देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे बैक में तो यहाँ का अलग 10 रुपये चार्ज पे करना होगा। बाकी ये छोटा सा ग्राउंड है, ग्राउंड में सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। जैसे देखिए रोशन भाई हैं जो कि फौज में अभी आए हुए हैं, इनका फौज बिल्कुल अलग है। ये टकला पे अभी बन रहा है। हाँ मतलब देखिए इनका टकला पे बहुत ज़बरदस्त आता है फोटो, देख सकते हैं। और ये देखिए कुछ बच्चा के लिए भी है पीछे में, देखिए छोटा सा आपको नज़र आएगा ये। और यहाँ पे आने का लोकेशन है कि पटना टेम्पू स्टैंड जस्ट नियर बाय में शिवाजी पार्क, जस्ट टेम्पू स्टैंड के जस्ट बगल में, सब्जी मंडी के जस्ट बगल में। ये देखिए शिवाजी पार्क के अंदर में एक महिला जिम है जिसका एंट्री शुल्क है मात्र 5 रुपया है। देखिए और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए अंदर में बच्चा लोग मस्ती कर रहा है। ये है छोटी सी ग्राउंड शिवाजी पार्क के अंदर का। देखिए यहाँ पे सारे लोग अपने मस्ती कर रहे हैं। बाकी बैक में देखिए शिवाजी का एंट्री का पार्क। और यहाँ पे फर्स्ट में देखिए आपको एक यहाँ पे शिवाजी का लोगो मिल जाएगा, पार्क का एक लोगो। और देखो शिवाजी पार्क का एक अंदर का और एक टॉप का व्यू ले रहा है, आपको देखने के लिए मिलेगा। यही है पूरा शिवाजी पार्क का व्यू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का झूला है और कुछ स्लिप है और यहाँ पे चक्री है। दोस्तों अभी मैं शिवाजी पार्क का राउंड आप सबको दिखा रहा हूँ और ये लास्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक का भीड़ ही क्या है। ये देखिए देखिए यहाँ पे शिवाजी पार्क का टॉयलेट एरिया है, देखिए कितना अच्छा ग्राफिक्स किया गया है। विजिट करने के लिए बता दो, और यहाँ पे विजिट करने के लिए मंडे टू संडे तक आप आ सकते हैं। यहाँ का टिकट चार्ज है मात्र 10 रुपीज और यहाँ पे छोटे बच्चों को 5 रुपया का शुल्क अदा करना पड़ेगा। बाकी पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पे लोकल जितना भी हैं और आसपास के जो भी स्टूडेंट लोग आते हैं यहाँ पे एवरी संडे को स्टूडेंट का ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आएगा। बाकी देख सकते हैं पार्क में पौधों के प्रति बहुत अच्छा सा ध्यान दिया गया है,
ये पहले बहुत छोटा था, मेरा ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं, बट अब देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे कपल आकर के बैठते हैं और यहाँ पे स्पेशल बैठने के लिए बनाया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कपल का तादाद इतना ज़्यादा रहता है कि क्या बताएं, देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए और बाकी पब्लिक के लिए जिम है जो अभी शाम हो चुका है तो बंद पड़ा है, बाकी देख सकते हैं। देखिए और ये यहाँ बच्चा के लिए है, बाकी देखिए पार्क का खूबसूरती में तो कुछ कहना ही नहीं है। इतना खूबसूरत पार्क आपको पटना में ना मिलेगा। जैसे आज हम लोग संडे को गए थे कुम्हरार पार्क, हमको पटना का सबसे रद्दी पार्क में कुम्हरार पार्क लगा। वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, प्लस में वहाँ पे चार्जेज बहुत ज़्यादा है औरों के तुलना में, बाकी मिलेगा कुछ नहीं आपको। नहीं तो वहाँ फूल वगैरह है, नहीं तो कुछ किसी प्रकार का कुछ वहाँ पे हमें पसंद नहीं आया। और दोस्तों मैं बताऊँगा कि कुम्हरार पार्क को विजिट ना करें, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट चला जाए। ठीक है, ठीक है। तो बाकी आप शिवाजी पार्क सबसे कम बजट में आपके लिए मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है और विजिट कर सकते हैं। प्लस में देखिए ये देखिए शिवाजी पार्क का एक छोटा सा भी पौधा तैयार किया जा रहा है जो कि शिवाजी पार्क के नाम से, आगे ब्लॉग में आपको दिखेगा जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं एक ब्लॉग और बनाऊंगा। और बाकी देखिए एक यहाँ पे छोटा सा गार्डन टाइप पे है जो कि एंट्री यहाँ पे मना है। और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे छठ में ये तालाब है जहाँ पे पूरा पटना वासी यहाँ पे अर्घ देते हैं। और देखिए ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है राउंड अप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ से एग्जिस्ट है सीधा बाहर।